रहमतुल्लाह वबरकातुह। आज हम बनाएंगे सुबह का नाश्ता, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। एक कटोरी चावल का आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन डालेंगे, एक कांदा काटना है बारीक बारीक, और एक टमाटर, और दो तीन हरी मिर्ची, और धनिया, तो धनिया भी डाल सकते हैं। हम धनिया देखो डाल दिए। अब सब इसमें बेसन, और बेसन जिसमें डाला था उसी कटोरे में डालेंगे, सब मिक्स कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे थोड़ा, और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, आधी चम्मच से कम है लाल मिर्च पाउडर, आपके हिसाब से जितना डाल सकते हो, जितना तीखा चाहिए उतना डाल सकते हो। थोड़ी सी हल्दी, एकदम थोड़ी सी, आधा नींबू ये निकाल दिए। अच्छे से जोड़ देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें खाना सोडा भी डालना है थोड़ा। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए इतना, और थोड़ा मोटा रहना चाहिए। देखिए घी डालना तो घी डाल सकते, तेल डालना तो तेल, हम लोग घी से कर रहे हैं। धीरे धीरे हाथ से फैलाना है, ऐसे हल्के हल्के हाथ से। और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर पलट के 2 मिनट और पकाना है। गैस स्लो रखनी है और इसे ढक देना है फिर 2 मिनट के लिए। अब देखिए 2 मिनट हो गया, हम लोग खोल के देख रहे हैं। ऊपर से थोड़ा घी डालेंगे, अब पलटेंगे ऐसे। हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे ढक्कन ढक के। अब 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए स्लो गैस। ये देखो हम लोग एक बन के तैयार हो गया। अब ऐसे ही सब बनाना है। ये देखिए हम लोगों ने दूसरा डाला है, इसे भी 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है। स्लो पे 2 मिनट के लिए ढक के रख देना वापस। ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार है। मैं क्या नीचे कर ले ऐसे, घर पे सॉस था तो हम लोग सॉस के साथ खा रहे हैं। आपको चटनी बना के खानी है तो चटनी से भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें।